हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं कंजक्शन। लेट मी टेल यू वन थिंग, कंजक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ स्पोकन इंग्लिश। कंजक्शन के बिना आप अंग्रेजी कदापि नहीं बोल सकते हो, इसलिए कंजक्शन को समझना बहुत ही नेसेसरी है। तो चलिए इस वीडियो में स्टडी करते हैं कुछ कंजक्शंस को वन बाय वन। फर्स्ट कंजक्शन इज ईदर डोट और, इसका मतलब होता है या तो या। आप इसे इधर भी कह सकते हो, इधर भी कह सकते हो। एग्जांपल कुछ यहाँ पे है, इधर यू और योर सिस्टर हैज स्टोलन माय पेन, या तो तुम या तो तुम्हारी बहन ने मेरा कलम चुराया है। आई शैल इधर रीड और राइट ए स्टोरी, मैं या तो पढ़ूंगा या कहानी लिखूंगा। सेकेंड कंजक्शन इज नेदर डोट नॉट, जिसका मतलब होता है ना तो डोट ना ही। ही इज़ नेदर माई ब्रदर नॉर माई फ्रेंड, वह ना ही मेरा भाई है ना ही मेरा दोस्त। ही नोज नेदर इंग्लिश नॉर फ्रेंच, वह ना ही अंग्रेजी जानता है ना ही फ्रेंच। ही हैज़ नेदर वॉक्ड नॉर स्लेप्ट सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से ना ही काम किया है ना ही सोया है। अगला कंजक्शन है अल्दो डोट एट। अल्दो डोट एट का मतलब हुआ हालांकि डोट फीबी। अल्दो ही इज़ माई ब्रदर एट ही डजेंट हेल्प मी, हालांकि वह मेरा भाई है फिर भी वह मेरी मदद नहीं करता है। अल्दो ही लेबर्स वेरी हार्ड एट ही फेल्स एवरी टाइम, हालांकि वह बहुत कठिन मेहनत करता है फिर भी वह हर बार फेल कर जाता है। अल्दो ही इज़ नॉट माई फ्रेंड एट आई ट्रस्ट हिम, हालांकि वह मेरा दोस्त नहीं है फिर भी मैं उस पर भरोसा करता हूँ। वेदर डोट डोट और, इसका मतलब होता है चाहे डोट डोट या। आई विल गो वेदर ही कम्स और नॉट, मैं जाऊँगा चाहे वो आवे या ना आवे। आई डोंट नो वेदर ही विल हेल्प और हार्म यू, मैं नहीं जानता हूँ कि वह तुम्हारी मदद करेगा या तुम्हें हानि पहुँचाएगा। आई डोंट नो वेदर ही हैज़ गॉन और नॉट, मैं नहीं जानता हूँ कि वह गया है या नहीं। अगला कंजक्शन है नॉट ओनली डोट डॉट बट अल्सो, जिसका मतलब होता है सिर्फ ही नहीं बल्कि। ही नॉट ओनली इनकरेजस अस बट अल्सो हेल्प्स अस, वह सिर्फ हमारी हौसला ही नहीं बढ़ाता है बल्कि हमारी मदद भी करता है। ही इज़ नॉट ओनली माई फ्रेंड बट अल्सो माई बेनिफैक्टर, वह सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं है बल्कि मेरा शुभचिंतक भी है। अगला कंजक्शन है इफ़, जिसका मतलब होता है यदि या अगर। इफ़ यू स्टार्ट अर्ली यू विल रीच सून, अगर तुम जल्दी शुरू करोगे तो जल्दी तुम पहुंचोगे। इफ़ ही बिल्ड टू हाउसेस ही वुड गिव यू वन, अगर वह दो घर बनाता तो वह तुम्हें एक दे देता। नेक्स्ट कंजक्शन है बिकाउज, जिसका मतलब क्योंकि। ही फेल्ड बिकाउज ही डिडंट स्टडी रेगुलरली, वह फेल कर गया क्योंकि वह रेगुलरली स्टडी नहीं किया। अगला कंजक्शन है यहाँ पे एज फार एज, जिसका मतलब होता है जहाँ तक। एज फार एज आई नो ही कांट स्टील, जहाँ तक मैं जानता हूँ वह चोरी नहीं कर सकता है। अगला कंजक्शन है इवेन नाउ, जिसका मतलब अभी भी। ही वर्क्स फॉर मी इवेन नाउ, वह अभी भी मेरे लिए काम करता है। इवेन नाउ ही इज़ वर्किंग इन दिस कंपनी, वह अभी भी इस कंपनी में काम कर रहा है। अगला कंजक्शन है एज सून एज, जिसका मतलब जो ही जैसे ही। आई स्टूड अप एज सून एज आई सॉ माई टीचर, मैं जो ही अपने टीचर को देखा मैं खड़ा हो गया। एज सून एज ही कम्स आई विल आस्क हिम फॉर मनी, बस जो ही आएगा मैं उससे पैसे मांगूंगा। गाइस, अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।